सार्क वर्सेस टाइगर्स के जो होने वाले आज के पहले पौंडेचेरी टी20 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, 2 से 3 आपके लिए कौन से रिस्की प्लेयर होंगे जो कि आपको इस मैच में GL में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर 1 बाय 1 बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये जो भी मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा ये एक हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने के बाद मुझे कोई चेंज करना होगा तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी है, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने लगे। 71,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले ही से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकना आगे नाला कोई भी मैच चाहे वो 10 ओवर का हो या 20 ओवर का, जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पे भेज दूंगा। हमारे चैनल को आपको ज्वाइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं, आप अभी हमारी जिस भी अभी वीडियो को देख रहे हो उसी के टाइटल का आप जैसे ही क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ्री में ज्वाइन कर लेना, आगे ना ले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करके देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर खेला जाने वाला ये जो मैच होने वाला है आपको पुदुचेरी के साइचम के स्टेडियम का होने वाला है, यहाँ पे आपको 162 रन करीब का एवरेज स्कोर है, यानी कि कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग गेम हो सकते हैं, लेकिन पौंडेचेरी के ज़्यादातर मैचेस में लो स्कोरिंग गेम हो रहा है। लेकिन ये मत भूलना कि जब भी कोई अच्छा बल्लेबाज आ रहा है ना वो यहाँ पे हर मैच में रन बना रहा है, लेकिन फिर भी बॉलर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सार्क की टीम ने इस सीज़न में अपना 1 मैच हारा है 2 मैच हारा है 3 मैच हारा है, बाकी बचे वो 1 2 3 4 5 6 मैच अपने विन करके आ रही हैं और सिर्फ 3 मैच अपने हारी हुई है। वही टाइगर्स ने इस सीज़न में अपना 1 मैच हारा 2 हारा 3 हारा 4 हारा हुआ है और 3 मैच इनके अबेंडन किया हुआ है बारिश की वजह से, सिर्फ 2 मैच ऐसा हुआ है जो कि विन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि SHA के टीम के प्लेयर्स को आपको पूरा फोकस करना है, SHA के प्लेयर्स के विन करने के चांस ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं सार्क 11 की टीम की बात करूँ, जिनमें बल्लेबाजी में ओपनर आएगा आर प्रवीण, जो कि इस समय ऐसा विकेट कीपर आएगा, उसके साथ एन कुजन आएगा, तीसरे नंबर पे यू कार्ती राजा आएगा, नंबर 4 पे मोहित मिथन हो गया, फिर ए शर्मा हो गया, पी लोकेश हो गया, एस हरिराम हो गया, यहाँ से बी यहाँ से धना शेखरन हो गया, टी ए अबीस हो गया, पी राजा वेलू हो गया जो कि लीडरशिप भी कर रहा है, शक्ति वेल हो गया, वी अरुणाचलम हो गया। इनके मेन बॉलर्स की बात करें जिनमें इनका मेन बॉलर का नाम है, सबसे पहले टी ए अबीस जो कि हर मैच में आपको 4 ओवर पूरा कर रहा है, मोहित मिथन ने भी इस सीज़न में यहाँ पे 4 ओवर किया, यहाँ पे 4 ओवर किया, यहाँ पे 4 ओवर किया, यहाँ पे 1 भी ओवर नहीं किया हुआ है, हर मैच में लगभग 2 से 4 ओवर पूरा कर ही कर रहा है, यानी कि ये 2 प्लेयर आपके लिए मेन बॉलर रहेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक और रहेगा जिसका नाम है यहाँ से शक्ति वेल जो कि आपको 4 ओवर पूरा कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से वी अरोड़ा चलन को भी मेन बॉलर आप मान सकते हो, मुझे लगता है कि 2 से 4 ओवर पूरा करना चाहिए इसको, तो ये 4 इनके मेन बॉलर्स है। पांचवा बॉलिंग ऑप्शन आपको यहाँ से एस हरिराम देखने को मिल सकता है, बी यहाँ से धना शेखरन, बी धना शेखरन ने आखिरी वाले मैच में 4 ओवर पूरा किया हुआ, सीजन का पहला मैच खेला हुआ है, हरिराम ने आखिरी वाले मैच से 2 ओवर किया, उससे पहले वाले मैच में 4 ओवर पूरा किया हुआ है, यानी कि इनके मेन बॉलर्स में सबसे पहले नाम आएगा टी अबीस का, उसके अलावा मोहित मिथन का, उसके अलावा यहाँ से बी धरना शेखरन का, उसके अलावा ये 3 इनके मेन बॉलर्स हैं जो कि 4-4 ओवर पूरा करेंगे। बाकी बच्चे हुए जो 8 ओवर होंगे ना वो शक्ति वेल फेंकेगा, वी अरोड़ा चलम फेंकेगा और एस हरिराम फेंकने वाला है। ये 3 बॉलर्स का मिला करके आपको 8 ओवर देखने को मिलेगा। आखिरी मैच में शक्ति वेल ने 4 ओवर किया, बाकी दोनों बॉलर ने 2-2 ओवर किया, उससे पहले हरिराम ने 4 ओवर किया और शक्ति वेल ने 2 ही ओवर किया, और जो एक और बॉलर इससे पहले अरोड़ा चलम नहीं खेल रहा था वहाँ पर जो खेल रहा था उसने 2 ओवर किया हुआ है। अगर मैं सार्क के मेन प्लेयर्स की बात करूँ जिनमें मोहित मिथन का नाम रहेगा, बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ से काफ़ी फॉर्म है, कैप की चॉइस के लिए आपके लिए 1 चॉइस रहेगा, उसके अलावा अगर आपको लेने का मन है आप टी ए अबीस को लेकर के चलना, इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि यहाँ से बी धरना शेखरन एक अच्छा प्लेयर रहेगा, इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि आर प्रवीण आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहेगा, ये 4 प्लेयर्स को आपको लेकर के चलना जरूरी है। किसको लेना नहीं है आपको यहाँ से, पी राजा वेलू को लेकर के नहीं चलना है, पी लोगेश को लेकर के नहीं चलना है, ये दोनों प्लेयर ज़्यादा किसी भी काम के नहीं है। ए शर्मा ऐसा सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, मेनली ओपनर है, यहाँ पे ओपनिंग करके 51 रन बनाया लेकिन आखिरी वाले मैच में काफ़ी नीचे भेजा गया है,
अगर आपको लग रहा है कि ओपनर आएगा आप अच्छा काम ये करके दे सकते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि आपको आर प्रवीण और यहाँ से एन कुजा, ये दोनों में से किसी एक को लेना है। दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो कि आपको 50 करीब पॉइंट्स से ला करके जाएगा। बाकी मोहित मिथुन को ले लेना, बी धरना को ले लेना, ती अबीस को ले लेना, और उसके अलावा यहाँ से एस शक्तिवेल और वी अरुणाचलम, ये दोनों में से किसी एक को ले लेना। इस तरीके से 5 प्लेयर को लेकर के चलना सार्क के, आपके लिए एक अच्छी टीम बन जाएगी। सबसे पहले टाइगर्स की बात करें जिसमें बल्लेबाजी में ओपनिंग करेगा वी शर्मा, जिसके साथ ए आकाश आरएस आएगा एज अ विकेट कीपर खेलेगा। तीसरे पे वी शशांक हो गया, चौथे पे जे कार्तियनन हो गया, पांचवे पे एम धवान हो गया, के अरविंद हो गया, जे जैकब हो गया, वाई कुमार एन हो गया, के मदन कुमार हो गया, सुरेश मोरे हो गया, के यहाँ से आर नित्यानंदा हो गया, के पुरुपी हो गया। ये इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाला है, जिनमें इनका सब्सिट्यूट प्लेयर आपको के पुरुपी नजर आया। अगर पुरुपी प्लेइंग 11 में रहेगा तो 4 ओवर पूरा करेगा। आर नित्यानंदा आपको 4 ओवर पूरा करेगा। ए सुरेश मोरे आपको 4 ओवर पूरा करके देगा। के मदन कुमार आपको 4 ओवर पूरा करके देगा। उसके अलावा यहाँ से देखोगे तो जे जैकब और वाई कुमार एन, ये दोनों बॉलर्स मिला करके आपको 4 ओवर करके देने वाले हैं। यानी कि ये 4 इनके मेन बॉलर्स रहेंगे नीचे के, बाकी ये दोनों जो बॉलर जे जैकब और वाई कुमार एन, ये दोनों को मिला करके आपको 4 ओवर देखने को मिल सकता है। मैं आपको सबसे पहले कहूँगा इनके ज़रूरी प्लेयर्स में, मैं आपको कहूँगा वी शर्मा ने यहाँ पे ये मैच में, पहले मैच में इसने 0 रन बनाया, दूसरे मैच में इसने 8 रन बनाया, तीसरे मैच में इसने 38 रन बनाया हुआ 20 बॉल पे। यानी कि तीसरे मैच में काफ़ी अच्छा खेला हुआ, तीसरे वाले मैच में काफ़ी अच्छा खेला हुआ, बल्लेबाजी में भी ओपनर आ रहा है। आपको एक काम करके चला है कि वी शर्मा और ए आकाश आर एस, ये दोनों में से किसी एक को लेकर के चला है। दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो कि फ्लॉप हो, और कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो कि आपको अच्छा खेल करके देने वाला है। इसके अलावा मैं यहाँ से लेकर के चलने वाला हूँ जिसका नाम है यहाँ से ए सुरेश मोरे को, आर यहाँ से नित्यानंदा को, के प्रोवी को। ये तीनों बॉलर आपके लिए एक अच्छे प्लेयर रहेंगे। बाकी आपका मन है आप एक काम करना, वाई कुमार एन और यहाँ से के मदन कुमार, ये दोनों बॉलर्स में से किसी एक बॉलर को लेकर के चलना है। इसके अलावा आपको एक और काम करके चलना है कि अगर आपका मन है आप एक काम करके चलना, वी शर्मा हो गया, ए आकाश आर एस हो गया और जे कार्तियनन हो गया, ये तीनों प्लेयर्स में से किसी दो प्लेयर को ले लेना, किसी भी दो को ले लेना। के मदन कुमार और वाई कुमार एन में से किसी भी एक प्लेयर को ले लेना। बाकी आप ये तीनों बॉलर्स को लेकर के चलना, ये सुरेश मोरे, आर नित्यानंदा और के प्रोफी। इस तरीके से अगर आपने टीम बनाया अच्छे खासी टीम बन सकती है। मैं अपने फैंटेसी में कौन से 11 प्लेयर्स को लेकर के चल रहा हूँ, सीधे यहाँ से ऐप के ऊपर चलते हैं। अब मैं अपने सामने सामने आपको टीम बना करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से लेकर के चलूँगा ए आकाश आर एस हो गया और आर प्रवीण हो गया, दोनों ज़रूरी रहेंगे। अगर आपको प्लेइंग 11 में एस नायडू खेलते हुए नजर आएगा तो मैं इसको ज़रूर लेकर के चलूँगा। ये चीज़ को आपको पूरा ध्यान देना, अगर नायडू खेल रहा होगा तो बल्लेबाजी में ओपनर आएगा। बाकी अगर आप मिनी जीएल और मेगा जीएल के रिस्की टीम बना रहे हो तो ये दोनों में से किसी एक प्लेयर को ना लेकर के आप यहाँ से एन कुजा को ले सकते हो, जिसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, आखिरी सीरीज में इसने परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, बल्लेबाजी में भी ओपनर आने वाला है और कहीं ना कहीं इसकी टीम के मैच विन करने के भी चांस है। तो कहीं ना कहीं एन कुजा वो प्लेयर हो सकता है जो कि आपको मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में एक अच्छे खासे पैसे कमाने में मदद करके दे सकते हैं। यहाँ से जे कार्तियनन हो गया, मोहित मिथुन हो गया, अगर एम शिवा मुरुगन प्लेइंग 11 में खेलेगा ले करके चलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये खेलेगा बल्लेबाजी में ओपनर आएगा और आखिरी के मैचेस में काफ़ी फॉर्म में भी नजर आया हो। बाकी अभी मैं अवीश शर्मा को लेकर के चलने वाला जो कि बल्लेबाजी में ओपनर आ रहा है। यहाँ से ती अवीश को लूँगा, ये सुरेश मोरे, अगर के शुभमन्यम खेल रहा होगा ना तो इसको भी लेकर के चलना, क्योंकि अगर ये खेलेगा तो 4 ओवर पूरा करेगा। बाकी यहाँ से आर नित्यानंदा को लेकर के चलने वाला, बाकी यहाँ से कोई इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। बॉलिंग ऑप्शन है अगर रवि यादव हो गया अगर खेलेगा तो, या फिर दीप चौधरी हो गया, दोनों में से अगर कोई भी खेल रहा होगा ना तो सीधे लेकर के चलना है अपनी टीम में। और अगर रवि यादव खेल रहा होगा तो कैप की चॉइस में भी आप लेकर के चल सकते हो। अभी मैं वी अरुणाचलम को लेकर के चल रहा हूँ, वाई कुमार एन को लेकर के चल रहा हूँ, के प्रोवी को लेकर के चल रहा हूँ। बाकी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर सार्क की टीम पहले बॉलिंग करिए तो शक्ति वेल को आप लेकर के चल सकते हो, काफ़ी अच्छा काम करके दे सकता है। या फिर एक काम करना कि वाई कुमार एन और यहाँ से सामने इसमें से के प्रोफी में से किसी एक को ना लेकर के आप यहाँ से शक्ति वेल को ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सार्क की टीम के मैच विन करने के चांस है, तो कहीं ना कहीं इनके बॉलर्स आपको अच्छा करके दे पाएंगे। पहला रिस्की प्लेयर रहेगा रवि यादव हो गया, दीप चौधरी हो गया, या फिर के सुब्रमण्यम हो गया,
या फिर यहाँ से हम शिवा मुर्गन हो गया या फिर यहाँ से ऐसे नायडू हो गया, ये चार पांच प्लेयर्स में से कोई भी खेलेगा तो मैं उसको लेकर के चलूंगा जरूर अपनी टीम में। क्या वीसी के लिए सबसे पहले आपको कहूंगा मोहित मिथुन को लेकर के चलना, वीसी के लिए तो ये अभी हो गया, यही दोनों क्या वीसी के सबसे अच्छे चॉइस रहेंगे। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम जो भी होगी वो मैं आखिरी के पाँच मिनट में इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल का आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी आसान भी एकदम फ्री भी रहने लायक। आके आने लगे कोई भी मैच में आपको यहीं पे कवर करके दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत।